हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनूप कुमार ने बताया कि अब तक अलग अलग पंचायत समितियों में 400 प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण में मछली पालन, डेयरी और कृषि आधारित रोजगार का प्रशिक्षण दिया गया है। जो हमारे प्रवासी भाई और बहन हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। टोटल हमें 16 ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने हैं और हम उसमें 560 जो प्रवासी भाई और बहन हैं उनको अलग अलग विधाओं के अंदर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको दी जाएगी, साथ में उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बेस पे उनको अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। केशव प्राइवेट ITI पीलीबंगा में प्रवासी मजदूरों के लिए समन्वित कृषि पार्क ये 3 दिवसीय 5 से 8 तारीख तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार के साथ में जोड़ना है। ये जो ट्रेनिंग इन्होंने संगरिया से आए हुए हमें ट्रेनिंग करवाई है, 3 दिनों से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही हमारे लिए ये, और हमें इन्होंने बहुत कुछ सिखाया, कृषि के बारे में, मछली पालन के बारे में बहुत कुछ बताया हमें,